गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। और आज हम करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। हमने पैसिव वॉइस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपको पैसिव वॉइस अच्छे से समझना है तो आप वो सारी वीडियो सीरियल वाइज देखें। सबसे पहले नंबर 1 देखें, देन 2, देन 3, देन 4, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं हम पैसिव वॉइस पार्ट 4। देखिए, पैसिव वॉइस पार्ट 4 को हमने परफेक्ट टेंस के लिए बनाया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ बीन का यूज होता है और आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी दूसरी वीडियोस में कि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये तो याद रखने वाली बात है। इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। मैं पत्र लिख चुका हूं, यानी कि पत्र लिखने का काम हो चुका है तो परफेक्ट टेंस हुआ। और मैं पत्र लिख चुका हूं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बनेगा पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। देखिए, बाकी की वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको ध्यान देखना है, अगर हिंदी का सेंटेंस आपके सामने पैसिव वॉइस का होगा तो उसमें मेन वर्ब के साथ जाना शब्द का कोई ना कोई रूप लगा होगा और प्लस उसमें द्वारा शब्द का प्रयोग होगा। मोस्टली होता है, कभी कभी नहीं होता है, इसलिए मैंने एक और एग्जांपल लिखा है कि पत्र लिखा जा चुका है। इसमें हमने द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं किया, यानी कि इसमें हमने डूअर को हटा दिया है। तो जिस सेंटेंस में काम करने वाला नहीं होता और काम फिर भी हो रहा हो वो भी पैसिव वॉइस होता है। और जिस सेंटेंस में द्वारा शब्द लगा हो या वर्ब के साथ जाना शब्द हो तो आप उसे पहचान सकते हैं कि वो पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया जाएगा। सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है पत्र, अ लेटर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की वजह से हम हैज बीन लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। अ लेटर इज अ सिंगुलर नाउन तो हम हैज बीन का यूज कर रहे हैं। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। और मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय आप ध्यान रखें कि सब्जेक्ट किस चीज को बनाना है। सब्जेक्ट उस व्यक्ति या वस्तु को बनाना है जिस पर काम किया जा रहा है या किया जा चुका है या किया जाता है सेंटेंस के टेंस के हिसाब से। तो यहां पर पत्र के ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि पत्र लिखा जा चुका है। तो लेटर हमारा सब्जेक्ट है, लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें कि पत्र लिखा जा चुका है तो सिर्फ आपको बाय मी हटाना है यहां से। और लेटर हैज बीन रिटन का मतलब हो जाएगा पत्र लिखा जा चुका है, क्योंकि इसमें काम करने वाले का जिक्र नहीं है तो हम बाय मी हटा देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा मैं पत्र लिख चुका था। हम चुका है, चुकी है को हमने पास्ट में बदल दिया तो बन गया चुका था, चुकी थी। इसी तरह से हम सेंटेंस को बदलेंगे पास्ट में, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। अब देखिए, लिखना वर्ब हो गई, जा चुका था ये पैसिव वॉइस की निशानी हो गई और मेरे द्वारा, इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, अब हमने सिर्फ क्या किया, हैज हैव की जगह हैड को लिया क्योंकि पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है। हैड बीन रिटन बाय मी, पत्र लिखा जा चुका था, अ लेटर हैड बीन रिटन। इसमें से अगर बाय मी हटा देते हैं, डूअर हटा देते हैं तो सेंटेंस बनेगा अ लेटर हैड बीन रिटन। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट। मैं कल तक पत्र लिख चुका होऊंगा, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है। इसका पैसिव क्या बनेगा, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं यहां पर। कल तक मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका होगा, मेरे द्वारा आया, इसका मतलब द्वारा शब्द यूज हो रहा है तो पैसिव वॉइस है। और पत्र लिखा जा चुका होगा, ये भी पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे पत्र को लिखने का काम हो रहा है लेकिन काम करने वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो जिस सेंटेंस में काम करने वाला ना दिखाई दे उसे भी हम पैसिव वॉइस की कैटेगरी में रखते हैं। बनाते हैं सेंटेंस। यहाँ पर पत्र हमारा सब्जेक्ट है, अ लेटर। अब क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है तो विल शैल का यूज करेंगे हम। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, नो पैसिव वॉइस फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस Not in use. हम perfect continuous. तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।
नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।